बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लासिक से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 27वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 26 में हम सबक नंबर 10 गज़वे खैबर की स्टेटमेंट नंबर 1-5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि अरब में यहूदियों की कुव्वत का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर था, जो कि मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया था, और खैबर एक सरसब्ज़ शादाब पानी के चश्मों से वसी सब्ज़ा सार पर मुश्तमिल इलाका था। यहूद इब्तदाई से इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने बनु गतफान, जो यहूद का अहम अहद कबीला था, उसके सरदार बिन अबिल हकीक के पास उनको और उनके आसपास के इलाकों को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा कर लिया। और इसकी खबर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो उन्होंने तहकीकात के लिए अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा, और अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। होमवर्क में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, खैबर कहाँ वाक़िया था, स्टेटमेंट वन इसका आंसर था अरब में यहूदियों की कुव्वत का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर था, खैबर मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया था। सवाल नंबर 2 था, खैबर कैसा इलाका है, स्टेटमेंट 2 इसका आंसर है खैबर एक सर सब्ज़ शादाब इलाका था, जो पानी के चश्मों और वसी सब्ज़ार पर मुश्तमिल था। और लर्निंग के लिए भी आपको स्टेटमेंट नंबर 1-5 यूनिट नंबर 10 की दी गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना काम अच्छे से याद किया होगा और होमवर्क भी नीटली अटैम्प्ट किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 27 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियात के नोट्स का सफ़ा नंबर 11 ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 10 गज़वे खैबर की स्टेटमेंट नंबर 6-10 हमने पढ़नी है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट नंबर 6, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिशों के को ख़त्म करने के लिए इनके मुकाबले में आना पड़ा। स्टेटमेंट 7, मुहर्रम 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर की तरफ बढ़े, जिनमें 1200 पैदल और 200 सवार थे, मदीना से शुमाल के सिमत रवाना हुए। स्टेटमेंट 8, इस लश्कर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा 20 औरतें भी शामिल थीं। स्टेटमेंट 9, मुसलमानों की मदीना से रवानगी की खबर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने यहूद खैबर को पहुंचा दी। यहूद खैबर ने कबीला बिन गुतफान को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का मंसूबा बनाया। स्टेटमेंट 10, खैबर में यहूदियों के 6 किले थे, इनमें 20,000 आजमूदकार सिपाही मौजूद थे। यह आपकी स्टेटमेंट थी 6-10। पहले इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। स्टेटमेंट 6 में देखिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी साजिशों। स्टेटमेंट 7, मुहर्रम 7 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों खैबर 1200 पैदल 200 सवार मदीना शुमाल। स्टेटमेंट 8 में लश्कर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 20 औरतें। स्टेटमेंट 9, मुसलमानों मदीना मुनाफ़िकों सरदार अब्दुल्ला बिन अबी यहूद खैबर कबीला बनु गतफान मुसलमानों। स्टेटमेंट 10, खैबर यहूदियों 6 किले 20,000 आजमूदकार सिपाही। ये वर्ड्स जो आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव ब्लैंक्स एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह बनकर आएंगे। अब देखिए अपने लेक्चर की तरफ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिशों को ख़त्म करने के लिए उनके मुकाबले में आना पड़ा, यानी उनसे जंग करने के लिए मैदान में आना पड़ा। मुहर्रम 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। इन 1600 मुसलमानों में 1200 पैदल और 200 सवार थे। मदीना से शुमाल की सीमत रवाना हुए। इस लश्कर में उमुल मोमिनीन उम्मे सलमा के अलावा 20 औरतें भी शामिल थीं। मतलब ये जो मुसलमान थे, ये 1600 मुसलमान थे, इनमें कमोबेश 1200 जो थे वो पैदल थे और 200 सवार थे। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ बुक्स में लिखी गई बात है। ये लोग मदीना से शुमाल के सिमत रवाना हुए और इस लश्कर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा 20 औरतें भी शामिल थीं। मुसलमानों की मदीना से रवानगी की खबर मुनाफिकों के सरदार, मुनाफिक वो होते हैं जो दिल में कोई और उनके बात होती है और वो मुंह पर कुछ और होते हैं, गलत बयानी करते हैं, उनके सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने यहूद को खैबर में पहुंचा दी कि मुसलमान जो हैं इस तरह से वो लश्कर की सूरत में जंग के लिए आ रहे हैं। यहूद खैबर ने कबीला बनु गुतफान को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का मनसूबा बनाया कि हम पीछे से मुसलमानों पर हमला करेंगे। खैबर में यहूदियों के कुल 6 किले थे और इनमें 20,000 आजमूदकार यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर सिपाही मौजूद थे। ये थी आपकी स्टेटमेंट नंबर 6-10, जिसमें मैंने आपको वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करवा दिए और समझा भी दिया है।
अब आइए अपने लेक्चर की तरफ, होमवर्क की तरफ। लेक्चर नंबर 27 का जो होमवर्क है, सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ कब रवाना हुए और इस काफिले में कौन कौन शामिल था। स्टेटमेंट 7 इसका आंसर है। सवाल नंबर 4 है, खैबर में यहूदियों के कितने किले थे। स्टेटमेंट 10 इसका आंसर है। इसके साथ ही आपने अपनी स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 लर्न भी करनी है, यूनिट नंबर 10 की। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 28 में हम सबक नंबर 10 गज़वे खैबर की स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।